हम एक काम करते हैं सर, या तो पहले शादी कर लेते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके पीछे आपके पेरेंट्स हैं यार, तो आप लोगों को सबसे पहले सर सैल्यूट है मेरी तरफ से। थैंक यू सर, क्योंकि वाकई में आप एक्चुअली बहुत बड़ा मोटिवेशन है इस समाज के लिए। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि जो 20-25 ईयर्स में जस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनका डिस्ट्रैक्शन का जो फैक्टर है वो काफी रोल प्ले करता है। आपने ये जो आपने क्रैक किया एग्जाम, सो इसकी प्रिपरेशन आपने जॉब के साथ साथ करी या फिर आप जॉब के बाद आपने प्रिपेयर किया? पहले से प्री प्लान था क्या कि मैं वहां से ये छोड़ूंगा तुरंत मुझे बैंक में जॉब मिल जाए? आपने जो प्रिपरेशन करी है यहाँ पे, तो हर एक सब्जेक्ट की आपकी क्या अप्रोच थी, कैसे आपने पढ़ाई करी? जब आप तैयारी शुरू कर रहे थे तो 10 में से कितने आप वहां पर अपने आपको मार्क्स देंगे? प्री के बाद हम मेंस शुरू करें या फिर हम पैरेलली प्री और मेंस लेकर? आपका सपोर्ट जैसे होता है ना, हर व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई सर होता है, तो आपके पीछे कौन थे सर? कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आसमां में सुराख भी हुआ है और पत्थर भी तबीयत से उछाला गया था। आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने पहली अटेम्प्ट में ही SBI क्लर्क क्वालिफाई किया है, हमारे पुनीत सर जो डिफेंस सर्विसेज से रिटायर्ड हैं। आज हम इनसे जानेंगे आखिरकार इस एग्जाम को क्रैक करने में उन्होंने कितना यहां पर एफर्ट लगाया और क्या क्या स्ट्रेटेजी उन्होंने यहां पर लगाई जिससे आज उनका SBI क्लर्क क्वालिफाई हुआ है। सो पुनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अड्डा 24/7 में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अड्डा 24/7 की तरफ से। सो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि सर कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना नेचुरली। आपको लग रहा है कि हाँ मैंने जो चाहा वो हो गया? डेफिनेटली, मैंने जो प्लान किया था, जिस तरह से मैंने प्रिपरेशन की थी, वो अगर सक्सेसफुल हुई है तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है सर। क्या बात है सर। तो सबसे पहले हम चलते हैं आपके परिवार की तरफ सर, परिवार फैमिली बैकग्राउंड की तरफ, कि परिवार में सर कितने लोग हैं? सर मेरी वाइफ है, एक डॉटर है, हम वैसे 4 भाई हैं सर जी। मेरे पेरेंट्स यहीं के नेटिव हैं गुड़गांव से सर, और वो फैमिलीज यहाँ पे थी, हम तो डिफेंस सर्विसेज में थे, तो राउंड द कंट्री हमने ट्रैवल किया है जी जी, तो यही मेरा फैमिली बैकग्राउंड है सर। ओके नाइस सर। तो सर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँगा कि आपने ये जो आपने क्रैक किया एग्जाम, सो इसकी प्रिपरेशन आपने जॉब के साथ साथ करी या फिर आप जॉब के बाद आपने प्रिपेयर किया है? मैंने सर जॉब के साथ ही इसको स्टार्ट किया था। लास्ट ईयर ऑफ जो मेरा सर्विस था वो तब मैंने जुलाई 2022 से मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो बेसिकली बैंकिंग की तरफ एक नेचुरल रुझान होता है एक्स सर्विसमैन का, जो ड्यू टू बेनिफिट्स जो भी हमें मिलते हैं, पे प्रोटेक्शन है जी। या फिर आप कह सकते हैं कि जो हमें बेनिफिट्स वहाँ से मिलते हैं, पर्क्स SBI की काफ़ी अच्छी हैं। तो मैं स्टार्ट था सर IBPS क्लर्क एग्जाम से। IBPS क्लर्क के टाइम मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं थी, मैंने ट्राई किया और बेसिक था, मैंने स्टार्ट देखा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है और मेरे को इतनी नॉलेज भी नहीं थी एग्ज़ाम पैटर्न एनालिसिस ये सब। मैंने जब उसको एग्ज़ाम देने के बाद उसको एनालाइज किया जी, कि मेरे अटेम्प्ट्स इतने अच्छे नहीं थे, मेरे को और अच्छे प्रिपरेशन की ज़रूरत है, और उसका रिजल्ट जब आया तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि मेरा क्लियर नहीं हुआ IBPS क्लर्क का प्री लेवल का एग्ज़ाम। फिर मैंने जो मोटिवेशनल वीडियोस थे, एग्ज़ाम एनालिसिस थे अड्डा 24/7 से, वो देखे, उससे काफ़ी मोटिवेशन मिला और फिर मैंने SBI क्लर्क के लिए एम किया। और SBI क्लर्क के लिए एम करते हुए फिर मैं स्टार्टिंग में बेसिकली अड्डा 24/7 के जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं प्रीवियस वीडियोस, उनसे स्टार्ट किया, वो देखता रहा। फिर मैंने अपने खुद की कुछ बुक्स थी उनसे स्टार्ट किया जी। और प्री लेवल के लिए फिर मैंने मॉक टेस्ट लिए थे अड्डा 24/7 के जस्ट बिफोर एग्जाम्स टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम। उससे पहले मैं एग्ज़ाम एनालिसिस किया था, एग्जाम प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स क्या रहती हैं, स्पेशली फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए क्या रहेंगी कट ऑफ्स, वो सब मैंने एनालाइज किया था। उसके बेसिस पे मैंने अपने को प्रिपेयर किया कि मेरे को पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। फिर आपका जो सेशंस आते हैं बिफोर एग्ज़ाम्स, उसमें जो आपकी स्ट्रेटजीज होती है कि आपको पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको कैसे अप्रोच करना है, स्पीड मैथ्स, मैथ्स के लिए अगर लें तो स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, DI हैं, रीजनिंग के लिए जैसे मैंने सर स्टार्ट किया कि मेरे को प्रो होने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, पजल और सेटिंग में प्रो होने के लिए टाइम लगता है, तो मैंने मिसलेनियस से स्टार्ट किया, मिसलेनियस देन कम्स योर सेटिंग अरेंजमेंट पजल्स।
और इंग्लिश। बेसिकली मैं यहाँ पर आपकी इन बात से ये जान पाया कि आपका SBI क्लर्क का पहला अटेम्प्ट था। इससे पहले आप IBPS क्लर्क दे चुके थे, लेकिन आप तब कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रिपेयर नहीं थे, ऐसा आप मानते हैं? यस सर। सो IBPS क्लर्क के रिजल्ट के बाद फिर आपने प्लान आउट किया कि नहीं यार मुझे मुझे तो फोड़ना ही है, क्योंकि SBI क्लर्क अगर देखा जाए तो SBI की बात मैं करूँ सर तो भारतवर्ष का ये सबसे बड़ा बैंक है, और मुझे लगता है कि हर एक एस्पायरेंट का जो बैंकिंग में जॉब करना चाहता है तो SBI में नौकरी करना चाहता ही चाहता है वो। सो सबसे अच्छी बात सर ये कि आपने IBPS क्लर्क, कहते हैं ना सर कि अगर एक बार आप चीज़ों को नहीं कर पाए तो फिर आप अगर मन बना लेते नहीं मुझे करना ही करना है और फिर आप उसके प्रोसेस में लग जाते हो ना सर, तो फिर अगर आप कर लेते हो पूरा उसको तो फिर अंदर से एक आत्मविश्वास और बढ़ता है कि नहीं यार हमने तो ये कर लिया। Yes, तो जीवन में मुझे लगता है कि सर ये बहुत जरूरी है कि अगर आप जो सोचते हैं और आप वो कर लेते हैं तो आपको एक अलग, एक जो कॉन्फिडेंस आता है वो अलग लेवल का होता है। तो सर हम चलते हैं आगे की तरफ और आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और क्योंकि ये सेशन हमारे भारतवर्ष के बहुत सारे जो एक्स सर्विसमैन हैं जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, है ना, तो उनको काफ़ी हेल्प आउट करने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि मैं आपसे भी डिस्कशन कर रहा था इससे पहले, है ना, सो आपने 20th ईयर ऑफ सर्विस जो आपकी रही है ना, ये आपका 2022 रहा। यस सर। आपने 31st of December जैसे कि आपने बताया कि आपने रिटायरमेंट लिया, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका मैं देख रहा हूँ कि 2022 में जो SBI क्लर्क था, तो मतलब रिटायरमेंट वहां लिया और हम यहाँ पर दूसरी मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि SBI इसमें आ गए, तो मतलब ये एक कैसे मतलब सर कि अच्छा पहले से प्री प्लान था क्या कि मैं वहां से ये छोड़ूंगा तुरंत मुझे बैंक में जॉब मिल जाए, ये ऐसा था क्या कुछ? सर देखिए प्लान तो हम करते हैं, जैसे हमने पता था कि हम 20 इयर्स में सर्विस से रिटायरमेंट लेना है तो 90th जो 20th ईयर स्टार्ट होता है तो हमें एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाता है डिफेंस सर्विसेज से तो उसके बेसिस पे फिर हमने प्लान किया था। उससे पहले मैं अपने आप को प्रिपेयर भी कर लेता प्राइवेट जॉब के लिए, अगर गवर्नमेंट जॉब ऐसा नहीं है कि आपको मिल ही जाएगी, कोई कन्फर्म नहीं होता, तो फिर मैंने इसके लिए प्राइवेट जॉब के लिए पहले प्रिपेयर किया। उसके बाद फिर 20th ईयर जब मेरा स्टार्ट हुआ उसके बाद फिर मैंने फॉर्म्स फिलअप शुरू किया, क्योंकि हमें परमिशन उसके बाद ही कर सकते हैं अप्लाई। तो फिर IBPS क्लर्क फर्स्ट अटेम्प्ट, देन उसके बाद फिर SBI क्लर्क। तो क्या प्राइवेट जॉब भी आपने करी क्या? अभी जस्ट मैं एक प्राइवेट जॉब ही कर रहा हूँ। अच्छा अभी आप वर्किंग है सर? यस सर। ओके फाइन। तो मतलब कि मुझे लगता है कि आपने अपने आप को रेस्ट नहीं दिया, जैसे होता है ना सर कि अगर हम ऑफिस जा रहे हैं 20 सालों से हम ऑफिस जा रहे हैं और मैं एकदम से अगर घर पे बैठ जाऊंगा तो फिर अजीब लगेगा। yes, तो मुझे लगता है कि आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू के चलते आपने कहा नहीं यार घर पे नहीं बैठना है बॉस, बाहर निकलना है, जॉब तो करनी करनी है चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो। यस सर। ओके फाइन सर, तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पर आप सफर जानते हैं आपका कि आपने अड्डा 24/7 से प्रिपरेशन करी है सर, सो अड्डा 24/7 आपको किसने रिकमेंड किया? सर बेसिकली तो YouTube पे सर्च करते हुए एग्जाम मटेरियल के लिए, वीडियोस के लिए, फिर शॉर्टकट ट्रिक्स बेसिकली काफ़ी हेल्पफुल होते हैं प्री के लेवल पे, तो वो मैं YouTube पे सर्च करते हुए आपका चैनल मेरे को दिखा, फिर मैंने उस चैनल की वीडियोस देखी, मेरे को कंटेंट काफ़ी अच्छा लगा उसका जी। फिर वहीं से मेरे को आपकी ऐप का पता चला, मैंने आपकी ऐप डाउनलोड की, मैं रेगुलरली ऐप पे क्विज सॉल्व करता था, ऐप काफ़ी हेल्पफुल है और एक रेगुलरिटी भी बनती है, आप डेली उसका क्विजेज सॉल्व करते हो, डेली आप उस पर कुछ वीडियोस भी आते हैं करंट अफेयर्स के भी जी, जो न्यूज़ होते हैं वो भी आती रहती है, तो उनसे आपका एक, क्यों करंट अफेयर्स सर आप मेंस के लेवल पे जाके तैयार करना चाहो प्री के बाद तो वो पॉसिबल नहीं है, आपको पहले से ही उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। ओके मतलब कहने का मतलब कि हम करंट अफेयर्स के लिए ये बिल्कुल भी ना करें कि हमारा प्री एग्जाम हो गया, अब हम मेंस का जब हमारा एग्जाम है हम उन्हीं दिनों में हम अपना करंट अफेयर्स तैयार कर रहे हैं, ये गलत प्रैक्टिस है। ये गलत प्रैक्टिस है, आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके एग्जाम है उसमें ये श्योर नहीं है कि आपको कहाँ से कब तक का करंट अफेयर्स कवर होगा। तो जितना बैक से कवर कर सकते हैं, जितना करंट अभी तक एग्जाम से पहले कवर कर सकते हैं तो वो आपको करना चाहिए। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि करंट अफेयर्स और जो GA के क्वेश्चन मेंस के लेवल में काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल सर। और अब हम चलते हैं यहाँ पे सर कि जो आपके रीजनिंग की बात की जाए या फिर आपकी क्वांट्स की बात की जाए, इंग्लिश की बात की जाए, तो हम एक एक सब्जेक्ट में यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि हमारे एस्पायरेंट जानना चाहते हैं कि आखिरकार आपने जो प्रिपरेशन करी है यहाँ पे तो हर एक सब्जेक्ट की आपकी क्या अप्रोच थी, कैसे आपने पढ़ाई करी। सबसे पहले हम चलते हैं सर क्वांट्स की तरफ कि क्वांट्स में आपने कैसे तैयारी करी सर। सर जैसे मैं आपकी वीडियोस देख के मैंने एग्ज़ाम पैटर्न को पहले सर्च किया कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे होता है, फिर जब नोटिफिकेशन आया था उसमें भी एग्ज़ाम पैटर्न था जी।
कि उसमें एग्जाम पैटर्न कैसे रहता है। तो वीडियो से हमें पता चला कि उसमें आपको स्पीड मैथ्स पे फोकस करना है, डीआई पे फोकस करना है, अरिथमेटिक पे करना है। तो अरिथमेटिक को प्रिपेयर करने के लिए आपको काफ़ी टाइम चाहिए होता है। Okay. और मार्क्स स्कोरिंग की अगर हम बात करें तो आप स्पीड मैथ्स को अगर कवर करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कवर करते हैं, तो आप काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं उसमें। Okay. और उसके बाद फिर डीआई और अरिथमेटिक, उसके बाद सर मैंने ये स्ट्रेटेजी हर सब्जेक्ट के लिए प्लान किया था कि मैं ऐसे इसको पेपर को भी इसी उसी में अटेम्प्ट करूंगा। इसी जिस तरीके से आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो, यस सर, वैसे ही मैं पेपर में भी अटेम्प्ट करूंगा कि आपने जो प्रैक्टिस करी थी वही आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। सो मैथमेटिक्स आपका सर कैसा था, मतलब आप अपने आप को क्या, जब आप तैयारी शुरू कर रहे थे तो 10 में से कितने आप वहां पर अपने आप को मार्क्स देंगे कि मेरी तैयारी इतनी थी? सर स्टार्टिंग में तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सर स्टडीज को और स्पेशली मैथ्स को आफ्टर 12th लेवल मैंने, मेरी इंग्लिश मास्टर्स है, मास्टर्स इंग्लिश, तो मैथ्स से इतना टच नहीं था। तो आई विल से 4 to 5 मार्क्स आई विल गिव। मतलब कहने का मतलब सर कि 20 इयर्स के बाद, लगभग 22 इयर्स के बाद आपने फिर से मतलब कि मैथ उठाया, ऐसे ना सर? क्योंकि आपने उससे पहले आपने एकेडमिक्स में मैथ पढ़ा था, राइट? सो सर क्या एक्चुअली जो ये प्रॉब्लम है, मैं अगर यहाँ पर उन एस्पायरेंट्स की भी बात करूँ सर, जो लोग मतलब कि ग्रेजुएशन करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर पीजी करते हैं, तो वो अपने कोर सब्जेक्ट से, जैसे कि मैथमेटिक्स से, बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट हैं सर जो कि आर्ट्स से अपना ग्रेजुएशन करते हैं, राइट, बहुत सारे ऐसे जो कॉमर्स से करते हैं, लेकिन अब फिर से उनको मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है। जैसे बहुत सारे लोग सर, क्योंकि बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है, यहाँ पर हर एक, चाहे वो बायो से हो, चाहे वो कॉमर्स से हो, या फिर आपके आर्ट से हो, फॉर्म भर सकता है सर। तो वो मतलब कि जो अंतर आ जाता है करीबन 8 से 10 वर्षों का अंतर, या फिर 6 से 7 वर्षों का अंतर, तो उसके बाद फिर से जब वो तैयारी करना शुरू करते हैं तो वो कहते हैं सर मैथ तो हमने मतलब कब की छोड़ी हुई है। सो ये वही चीज मैं देख पा रहा हूँ कि उनका जो गैप होता होगा मैक्सिमम सर 6, 7, 8 साल, लेकिन आपका जो गैप था वो पूरा 20 वर्ष था। सर जब आप एकेडमिक्स में थे तो आपकी मैथ कैसी थी सर? एकेडमिक्स में सर 10th लेवल तक की, क्योंकि एग्जाम्स में इसमें भी 10th लेवल तक की मैथ्स आती है, बिल्कुल सर, तो 10th लेवल तक मेरी मैथ्स बहुत अच्छी थी सर, अच्छा स्कोर करता था मैं मैथ्स स्कूल टाइम पे सर। बट ये कि 20 इयर्स के गैप के बाद आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे आपको दोबारा ब्रश अप करने पड़ते हैं, और मैथ्स में सबसे ज्यादा और रीजनिंग में बेसिकली प्रैक्टिस के सब्जेक्ट्स हैं सर ये। बिल्कुल सर, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए आपको। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो मैंने भी किया है। जैसे स्पीड मैथ्स के लिए नवनीत सर के मैं को देखता रहता था, उनके जो ट्रिक्स थे स्पीड मैथ्स के लिए, आपको टेबल्स स्क्वायर कहाँ तक आने चाहिए, क्यूब्स आपको इतने आने चाहिए, मेंस के लेवल पे काफ़ी मेरे को उससे हेल्प मिली। और प्री से पहले मैंने जो वीडियोस देखे थे, तो मैंने शॉर्ट स्पीड मैथ्स के लिए कि आपको इनको ब्रशअप करना पड़ेगा। ओके, सो मैथ्स के लिए आपके कहने का मतलब ये है कि गैप अगर हो गया बॉस तो ऐसा नहीं है कि चीजें फिर से वापस नहीं आ सकती हैं, लेकिन उसके लिए जो प्रोसेस है ना फिर से स्टार्टिंग से करना होगा आपको। डेफिनेटली सर, आप ये कह सकते हैं कि अगर आप नंबर सिस्टम से स्टार्ट करें मैथ्स में, नंबर सिस्टम्स हैं आपके, डेसिमल्स हैं आपके, फ्रैक्शंस हैं, वो आपको दोबारा से ब्रश अप करने पड़ेंगे उनके कॉन्सेप्ट्स। आपको एक सेकंड क्लास के स्टूडेंट, या ये कह सकते हैं 3rd-4th क्लास के स्टूडेंट की तरह टेबल्स भी आपको दोबारा से रिवाइज करनी पड़ेंगी। बिल्कुल सर, क्योंकि आप जब करेंगे तो उसके बाद आपको जो एग्जाम में आपको क्लिक करना चाहिए कि ये इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितने बनेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बेसिकली स्पीड मैथ्स में, तो आपको क्यूब्स हैं आपके, स्क्वेयर्स हैं वो आपको, फिर उसके शॉर्टकट ट्रिक्स हैं कैसे उसको आप निकाल सकते हैं जल्दी से, तो वो सब आपको दोबारा से ब्रशअप करना पड़ेगा। डीआई के लिए आपको अगर आपके ये सारे अच्छे हैं, अगर डीआई लेंथी भी आती है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली मेरा मानना ये है कि कैलकुलेशन अगर आपके पास अच्छे लेवल का है, आप कैलकुलेशन आपका बहुत बढ़िया है, तो मैथ में स्पीड तो सर आ जाएगी। वो तो है सर, कॉन्सेप्ट को सीखना है, अप्लाई करना है, वो नंबर का ही तो खेल है सर। कितने बड़े नंबर का मल्टीप्लीकेशन से, सपोज जिसको नहीं पता सर, वो एक बड़े नंबर का मल्टीप्लीकेशन एक्चुअली वो कर रहा होता है बेसिक मेथड से, लेकिन जिसके पास एक्चुअली इसका ट्रिक है तो शायद वो तुरंत फटाक से 5 सेकंड में रख देगा। तो डिफरेंसेस तो आए ना सर? 100% डिफरेंस है सर। और ये मैंने IBPS क्लर्क के एग्जाम और SBI क्लर्क का जो प्री का एग्जाम्स है उसमें मैंने फील किया ये कि मैं जो मेरे ट्रेडिशनल मेथड से जो हमने सोल्व किया उस टाइम पे क्वेश्चन, उस टाइम मैं कितने अटेम्प्ट कर पाया, और जो मैंने अभी SBI क्लर्क प्री या मेंस की बात करें तो उसमें मैंने कितना परसेंटेज सोल्व किया,
तो आपको शॉर्टकट ट्रिक्स काफी हेल्पफुल हैं और वो आप उसके बिना आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। आगे की तरफ बढ़ते हैं सर, ये तो रहा मैथ की बात। ओके, सो फिर हम चलते हैं यहाँ पर सर रीजनिंग की तरफ। सर कि रीजनिंग में आपने किस तरीके से तैयारी करी सर? सर रीजनिंग का जो मेरा पैटर्न था जो मैंने फॉलो किया, जो मैं फर्स्ट में मिसलेनियस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता था, उसके बाद आपका पजल्स, देन सिटिंग अरेंजमेंट सर। क्लर्क का फंडा मतलब पहले प्री में मिसलेनियस कर लेते हैं 15 क्वेश्चन ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए और फिर पजल अपने आप बनने लग जाते हैं। यस सर। ओके, एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो आपके जो माइंड भी है तो आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मैं अब इसको कर सकता हूँ। और दूसरा इसमें ये भी रहता है कि अगर आप किसी पजल में स्टक हो गए या किसी सिटिंग अरेंजमेंट स्टक हो गए तो एटलीस्ट आप इतने अटेम्प्ट तो आपके बैक में हैं कि जो मिसलेनियस के आपने अटेम्प्ट कर ले कि आप क्या बात है, तो आगे आप फर्दर उसको होप कर सकते हो कि मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा। सर नहीं सर, ये अच्छी अप्रोच है, एक्चुअली अच्छी अप्रोच है क्योंकि मैं आपको बताता हूँ इसके रीजंस क्या क्या होते हैं। देखिए बेसिकली आप जब प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो क्लर्क लेवल का पजल और सिटिंग आप कर लेते हो, ये हम मान के चलते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चे क्या होता है कि जब आप एग्जाम में बैठे होते हैं, जब समय थोड़ा सा हमारा हमारे पक्ष में नहीं होता है तो गलतियां अपने आप होने लगती हैं सर। जैसे कि आप रीजनिंग का अटेम्प्ट करना आपने शुरू किया, पेपर अटेम्प्ट करना शुरू किया, ठीक है, आपने रीजनिंग का पेपर अटेम्प्ट करना शुरू किया, पहला आ गया पजल, सो आपको लगता है ठीक है क्लर्क का उठा लेते हैं। ऐसा सर एक बार नहीं हजारों बार स्टूडेंट्स से सुना है सर कि मैं इस क्वेश्चन में फंस के रह गया इसलिए मैं पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाया। So, मुझे लगता है कि वहां पर आपको बहुत बाहुबली बनने की जरूरत नहीं है। आपका जो एक प्रोसेस है वो ये कहता है कि आप अपने 15 क्वेश्चन मिसलेनियस करके सेव कर लीजिए, आप कॉन्फिडेंट हो जाइए और वो कम समय में हो जाएंगे, 6-7 मिनट में अगर आपकी स्पीड है तो आप ये हो जाएंगे। So, मुझे लगता है जब कॉन्फिडेंस एक बार आता है ना पेपर में तो फिर वो आपसे कुछ भी करा ले जाता है सर, पजल भी बन जाती है, सिटिंग बन जाती है। सो ओके सर, जैसे कि आपने अभी मेरे को जिक्र किया, अभी आपसे चर्चा हुई, आपने ब्रह्मास्त्र बैच से प्रिपरेशन करी है सर, तो ब्रह्मास्त्र बैच से आपको क्या लाभ मिला सर? टाइम प्री और मेंस में ज्यादा होता नहीं है, 1.5 मंथ्स का आई थिंक गैप था, तो मैं तभी से मैं फिर पेड बैचेस के स्टार्ट में पेड बैचेस लेने पड़ेंगे, उसके बिना मेंस क्लियर नहीं होगा। प्री में तो फिर भी आप स्पीड मैथ्स पर रिलाई कर सकते हो लेकिन क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल मेंस में बढ़ जाता है, तो आपको पेड बैचेस से रेगुलरली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि उससे आप जुड़ करके एक क्वालिटी कंटेंट है ना, एक रेगुलरिटी के साथ आप मतलब कि उसमें अवेल कर सकते हो। और मेंस के लिए मुझे लगता है सर एक चीज और यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा कि हम लोग क्या करते हैं कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि प्री जब क्वालिफाई हो जाता है या फिर प्री का एग्जाम जब हो जाता है, जब कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं हो जाएगा, तब हम मेंस की तैयारी शुरू करते हैं। क्या ये सही प्रैक्टिस होगी सर कि प्री के बाद हम मेंस शुरू करें या फिर हम पैरेलली प्री और मेंस लेकर चलें? सर प्री और मेंस आप साथ में लेके चलें तो बहुत अच्छा है सर, क्योंकि आपका जैसे प्री से आपने स्टार्ट किया, आप बैचेस ले रहे हैं और फिर उसमें आपको क्या मेंस का आपको पहले से आइडिया होता है कि डिफ़िकल्टी लेवल कितना इंक्रीज होगा। मैथ्स में भी होता है, रीजनिंग में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, एडिशनली आपके पास GA भी एक सब्जेक्ट ऐड हो जाता है मेंस के लेवल पे, तो अगर आप लेके चलें तो बहुत अच्छा है। अगर बाय चांस आपने नहीं किया है तो फिर आप ये है कि क्योंकि डिफिकल्टी लेवल तो इंक्रीज होता है डेफिनेटली है सर, क्वेश्चंस के टाइप भी डिफरेंट हो जाते हैं। रीजनिंग में मैंने कुछ फील किया कुछ जैसे अल्फाबेटिकल सीरीज है सर, अल्फाबेटिकल सीरीज में आप देखिए वो आपके नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, फाउंडेशन लेवल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जब मेंस में आते हैं तो वहां पर वही अल्फाबेटिकल सीरीज बहुत सारे नए टाइप्स लेकर आ जाती है, रिजल्टेंट बेस्ड सीरीज हो गया सर, कंडीशनल बेस्ड सीरीज हो गया, तो शायद आप इस डिफरेंस की बात कर रहे होंगे। यस सर, क्योंकि डेफिनेटली मैंने जब आपकी वीडियोस देखे, मैं आपकी क्लासेस लेता था, तो ये जब नए पैटर्न के आई अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, तो मेरे को लगा कि वाकई में डिफरेंस तो है पेपर में, पजल्स में भी डिफरेंस, पजल्स में डिफरेंस आता है, फिर आपका मशीन इनपुट आ जाता है, रीजनिंग मेंस में जुड़ जाता है जी। यस, तो ये सब अगर आप नहीं करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है सर मेंस का पेपर क्रैक करना। ओके फाइन सर, सो आई होप कि आपकी इस मैथ और रीजनिंग के सफर में आपने जो एक प्रोसेस होता है उसको फॉलो किया और उसको अप्लाई भी किया, राइट। सो अब हम चलते हैं इंग्लिश की तरफ, तो इंग्लिश में आपको किस तरीके से मतलब कि आपने प्रिपरेशन करी, आपको Adda 24/7 से क्या हेल्प मिली? सर मेरी मास्टर्स इंग्लिश में है, ओके, तो मेरी कंटिन्यूटी इंग्लिश के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रही थी, तो इसमें मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं आती थी, पर बेसिकली आपको ग्रामेटिकल रूल्स वो आपको ब्रशअप करने पड़ते हैं एग्जाम से जस्ट पहले, वो मैंने यूट्यूब के जो वीडियोस हैं, रिकॉर्डेड सेशंस है, किसी भी सब्जेक्ट पे अगर मेरे को, किसी भी टॉपिक पे अगर मेरे को डिफ़िकल्टी फील हो रही है, फिर फैकल्टीज जैसे संतोष सर की क्लासेस यूट्यूब पर रिकॉर्डेड सेशंस मैंने देखे हैं, उसमें
तो काफी हेल्पफुल है सर। ओके सो कहीं ना कहीं आपका बैकग्राउंड था, लेकिन फिर भी आप ये चीज एक्सेप्ट करते हैं कि ग्रामेटिकल रूल्स के लिए मुझे यहाँ पर संतोषरी क्लासेस वगैरह करनी पड़ी, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्रशअप करना पड़ता है सर, राइट? और सर एग्जाम के पैटर्न, एग्जाम के क्वेश्चंस अलग पैटर्न के आते हैं, उसको वो पैटर्न भी आपको पता होना चाहिए। जैसे एरर डिटेक्शन है और आपका कंप्रिहेंशन पे आपको वर्क करना पड़ता है जी, तो ये चीजें जब तक आपको क्वेश्चन का पैटर्न नहीं पता होगा तो आप एग्जाम में जस्ट जाओगे, अगर आप कितने ही प्रो, कितने भी नॉलेज है तो आप उसमें उतना अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ये मैंने IBPS क्लर्क और SBI क्लर्क के प्री में फील किया सर। अनुभव मतलब बोलता है सर, अनुभव बोलता है सर, क्योंकि SBI क्लर्क मेरे को ये श्योर था कि मैं पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा IBPS क्लर्क में, बट क्वेश्चन के जो लेवल था या क्वेश्चन के जो टाइप्स थे, पैटर्न्स मेरे को इतना नहीं पता, तो उसकी वजह से मैं वो पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तो ये मैंने वहां से सीखा कि इस पे भी मेरे को वर्क करना पड़ेगा। तो सर एक चीज जो मैं मतलब कि हमेशा से अनुभव करता आया हूँ और जो आज अनुभव कर रहा हूँ सर, जो मतलब कि जॉब कर रहे होते हैं लोग, है ना, या फिर आपकी कैटेगरी की बात करूं मैं, है ना, सो एक चीज आप लोगों के पास पहले से होती है सर, जो कि किसी भी प्रिपरेशन में, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो आपके पास अगर नहीं है ना तो आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे बॉस। सर वो है डिसिप्लिन। डेफिनेटली सर, डिसिप्लिन है, आपको डेडिकेटेड होकर स्टडीज करनी पड़ेंगी, आपको अपना एक एग्जाम रूटीन लाइफ को सेट करना पड़ेगा एक टाइम पीरियड के लिए। जब तक आप सक्सेस अचीव नहीं कर लेते, आपको डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना पड़ेगा। और जो हमारी एज, हम तो जो मैरिड हैं, फैमिली है, तो हमारे ऊपर एक एडिशन वो भी क्रिस्पा वो है जी, और वो हमारा सपोर्ट सिस्टम भी है सर। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि जो 20-25 ईयर्स में जस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनका डिस्ट्रैक्शन का जो फैक्टर है वो काफ़ी रोल प्ले करता है जी। तो आपको डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा आपके प्रिपरेशन पे सर। नहीं बिल्कुल सर, आपने बहुत बड़ी बात करी है हमारे उन सारे युवाओं के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे कि सर ने बोला डिस्ट्रैक्शन, ये जो एक उम्र का एक कहते हैं ना कि पहलू है कि 20-25 वर्ष की उम्र ऐसी होती है जहां पर हम खुद को खुद पे काबू हम नहीं कर पाते हैं और फिर डिस्ट्रैक्ट होते हैं, जिससे उसका जो नुकसान होता है आपको आपकी प्रिपरेशन में दिखता है सर। सो ठीक है सर, ये अच्छा पॉइंट आपने हम लोग को यहाँ पर बताया। सर आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, जो मेंस का जो हम कहते हैं क्या कि एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके बिना मतलब मेंस आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, वो है करंट अफेयर्स और आपका GA। सर इसको आपने किस तरीके से पढ़ाई करा, क्या आपने नोट्स बनाए, किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करी सर? सर करंट अफेयर्स के लिए मैं वैसे एग्जाम्स तो एक अपार्ट है, लेकिन मैं वैसे भी करंट अफेयर्स जैसे मेरा एक रूटीन है सर, मैं DD न्यूज़ डेली 8 PM पे जो न्यूज़ नाइट आता है वो मैं देखता हूँ डेली। अच्छा, तो उससे क्या मेरे एक रूटीन बना रहता है कि करंट में आपका क्या चल रहा है, तो वो आपका वो मैं रेगुलरली फॉलो करता था। फिर जब मैंने एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो उसके लिए मैंने फिर सर यहाँ पर रहूंगा सर, जब आप वो आपने बताया डीडी न्यूज़ के आप न्यूज़ देखते थे, तो क्या उसको कहीं आप नोट डाउन भी करते थे या फिर सारी चीजें बस दिमाग में चलती रहती थी? नहीं सर, उस टाइम तक मैंने नोट्स वगैरह का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं, तो वो जस्ट ये कि आपको अवेयरनेस के लिए, जनरल अवेयरनेस इज डेली अवेयरनेस, यू कांट स्टार्ट जस्ट बिफोर द एग्जाम। सो मैं उसके बाद फिर सर मैं क्विज सॉल्व करता था ऐप पे, वो था सर, और करंट अफेयर्स का जो मेरे को अगर मटेरियल कहीं से मिलता था तो मैं उसको स्टडी कर लेता था सर। क्योंकि आप मेंस के लेवल पे जाके तब आप ये सोचे कि करंट अफेयर्स आप कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा, उसको आपको प्री के साथ ही आपको करना पड़ेगा। मेन फोकस आप 3 सब्जेक्ट्स पे रखिए प्री से पहले, लेकिन एक साइड बाय साइड आप करंट अफेयर्स को भी कीजिए। और जैसे कि फिर मेरे प्री क्लियर हुआ तो उसके होने से पहले ही, जैसे एग्जाम के जस्ट बाद मैंने जो बैच लिया था ब्रह्मास्त्र 2.0, उसमें अचीवर्स बैच में मेरे को परचम की सारी क्लासेस जो रिकॉर्डेड क्लासेस थी सर लास्ट 6 मंथ्स की, जुलाई से दिसंबर तक का, उसमें करंट अफेयर्स कवर हुआ था, बैंकिंग अवेयरनेस भी था, वो सारा मैंने उससे कवर किया। और उसके बाद जैसे कि जब प्री का रिजल्ट आया था, उसके बाद आशीष सर का कैप्सूल कोर्स आया था, उससे पहले मैं उनके जो YouTube के वीडियोस थे, YouTube के सेशंस, 7 AM का जो सेशंस है वो मैं लेता था, वो मैं रेगुलरली लेता था। और साथ में आपका जो पेड बैचेस में जो मिल रहा है कंटेंट उसको कवर किया, तो उससे काफ़ी, क्योंकि मेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है करंट अफेयर्स सर, 45 क्वेश्चंस इम्पैक्ट डालते हैं। एग्जैक्टली, जिस तरीके से हम देख भी रहे हैं कि
लास्ट अगर हम 3 इयर्स पे जाएं फ्लैशबैक, तो वहां पर जो करंट अफेयर्स का जो एक लेबल है वो अच्छा लेबल है सर। सर आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि वो वन लाइनर नहीं पूछ रहा है चीजें, और क्लर्क के एग्जाम में तो मैंने ज्यादातर देखा कि यहाँ पर बिल्कुल मतलब कि मतलब काफी डीप जाकर क्वेश्चन कर रहा है वो, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उस पर्टिकुलर न्यूज को या जो भी आपकी अपडेट्स हैं उसको अच्छी तरीके से आप समझें और फोकस हुए काम करें उसमें। सो बेसिकली आपकी 4 चीजें जो आपने यहाँ पर बताई, आई होप कि यहाँ पर बिल्कुल क्या बोलते हैं हेल्प आउट करेगा यहाँ पर जो हमारे एक्स सर्विस मैन है और जो हमारे यहाँ पर जो युवा है जैसे कि आपने बोला। तो सर एक चीज मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगा कि आपकी इस प्रिपरेशन में आपका सपोर्ट जैसे होता है ना, हर व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई सर होता है, तो आपके पीछे कौन थे सर? सर देखिए, किसी भी सक्सेस में आपके माता पिता का, आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। और जो मैं जिस स्टेज पे, मेरी वाइफ है, बच्ची है, तो वाइफ मेरा एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम था, काफ़ी हेल्प की। और जो रूटीन वर्क्स जो मैं करता था वो मेरी वाइफ ने टेक ओवर किया ड्यूरिंग माय प्रैक्टिस एग्ज़ाम के टाइम पे कि आप स्टडीज़ कीजिए, ये मैं देख लेती हूँ। तो काफ़ी सपोर्ट मिला और बुजुर्गों का, पेरेंट्स का आशीर्वाद तो सर बहुत जरूरी है। सर क्या बात है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बात हम सभी को भी माननी चाहिए कि जैसे सर ने बोला कि पेरेंट्स का जो एक रोल होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और आपका जो सपोर्ट सिस्टम होता है, जैसे सर की यहाँ पर पार्टनर है, वाइफ है सर की, जिन्होंने यहाँ पर सारी जिम्मेदारी संभाल ली कि अब आप पढ़ाई करिए, सारी जिम्मेदारी मैं संभाल लेती हूँ। सो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर, अब ये नहीं कि यार तुम जितने भी यहाँ पर युवा है पहले बोलो नहीं अब हम काम करते हैं सर, या तो पहले शादी कर लेते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पीछे आपके पेरेंट्स है यार, वो माँ जो है ना, वो हमको लगता है कि जितने भी आपके यहाँ पर क्या काम है, चाहे वो आपका खाना हो या फिर यहाँ पर आपके कपड़े फैले हो, सब वो सिस्टमैटिक वे में सब कर देती है यार, बस तुमको क्या करना है, पढ़ाई करना है। सो यहाँ से सर मुझे लगता है कि उन तमाम लोगों को एक मैसेज जाएगा कि आप अगर चाह लेते तो राह तो मिल जाती है। और ये जैसे कि आपने बोला कि आपका IBPS क्लर्क, जैसे आपने देखा कि नहीं हुआ मेरा, तो आपने उस IBPS क्लर्क को यहाँ पर, कहते हैं सर असफलता हमको बहुत कुछ सिखा के जाती है, लेकिन जो व्यक्ति उस असफलता से सीख जाता है तो शायद वो आगे के रास्ते अपने आप खोज लेता है, जैसे कि सर आपने यहाँ पर किया। ये तो है सर, डेफिनेटली जो आपकी कमजोरी है या फिर जो आपकी असफलता, वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है जी। अगर आप उसको पॉजिटिवली लें, या तो आप एक कमरे में बैठ के रो सकते हैं, या फिर आप उससे सीख सकते हैं, सीख के आगे बढ़ सकते हैं, आगे के लिए अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं जी। और मैंने तो सर, क्योंकि हमने डिफेंस सर्विसेज में थे तो काफ़ी हार्डशिप्स की हैं, तो उससे आपको जो असफलता, आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है। सर बेसिकली मैं जितने भी एक्सर्विस मैन हैं जिनसे मेरी बात होती है, और मैं सबसे पहले सर उनसे बात करके बहुत खुश होता हूँ सर, क्योंकि मुझे लगता है ना कि जब ये जज्बा जो मतलब कि आज एक युवा के अंदर डाउन जा रहा है, तो वही जज्बा यहाँ पर आप लोग यहाँ पर दिखाते हो कि नहीं यार लेना है, सिलेक्शन लेना है, हर हाल में लेना है। सो ये इंस्पायर करता है सर हम लोगों को, और इस देश के जितने भी युवा हैं उनको इंस्पायर करता है। सो आप लोगों को सबसे पहले सर सैल्यूट है मेरी तरफ से। थैंक यू सर, क्योंकि वाकई में आप एक्चुअली बहुत बड़ा मोटिवेशन है इस समाज के लिए, कि उम्र, कहते हैं ना सर कि एज इज जस्ट अ नंबर, स्काई इज द लिमिट। सो सर आपको बहुत बहुत बधाई हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ यहाँ पर ये स्पेशल कहने के यहाँ पर इंटरव्यू करने में, क्योंकि वो जो चमक होती है ना सर, वो चमक आपके चेहरे में देख पा रहा हूँ कि जो आप ये आज आपने सफलता हासिल करी है ना, वो सर दिख रही है चेहरे में। तो मैं चाहूंगा कि यही चमक और यही विश्वास, जिस तरीके से आपने देखा सर के सारे जो आंसर्स थे, सर ने किस तरीके से यहाँ पर चीजों को टैकल किया, आप सब भी ये सारी चीजों को सीख करके मुझे लगता है कि आप भी सफल हो सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, ये अगर कोई कहता है कि नहीं यार बैंक में सिलेक्शन नहीं होता, तो सर एग्जाम्पल सामने है, कंपटीशन तो है सर, कंपटीशन है, लेकिन आप अपने आप को उस कंपटीशन में किस लेवल तक लेकर के जा सकते हो, परीक्षा सर इसी की है सर। तो आपका क्या कहना है सर? सर ये तो है, कंपटीशन आपका है, कंपटीशन को आप कैसे क्रैक कर सकते हो, कैसे आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो, कैसे आपका जो कट ऑफ्स क्या जाती हैं उसके लेवल पर आपको कैसे पहुंचना है, उसके लिए क्या प्लान करना है, क्या रिसोर्सेज आपको चाहिए, क्या आप कितना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कितना डेडिकेशन आपको देना पड़ेगा, कितने आवर्स ऑफ स्टडी आपको देने पड़ेंगे जी। क्योंकि जॉब के साथ स्टडी करना प्लस फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी,
ये सब को आपको मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और ये तो सर एग्ज़ाम हमें सिखाता ही है कि सर जब प्री का जो पेपर होता है उसमें जो टाइम मैनेजमेंट है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सर। तो फिर फाइनली सर मैं आपको यही बोलूँगा कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हम सर 25th of March जो कि आने को है, हम एक मतलब कि एक सेरेमनी करने जा रहे हैं उन सारी जितने भी जो सफल हमारे यहाँ पर एस्पायरेंट रहे हैं सर। सो आपको भी सर मैं इस वीडियो के माध्यम से इनवाइट करता हूँ कि 25 मार्च में आपको सुबह आना है सर और इस महफिल की ओर शान आपको बढ़ाना है सर। सो आज के लिए फिर मैं इतना ही रखता हूँ। और सर लास्ट में मैं सर, क्योंकि गुरुओं का आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं हो सकता सर, आपका जो डेडिकेशन है सर अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के साथ भी मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा। जैसे आशीष सर के ब्रदर का एक्सीडेंट हुआ था जब मेंस का एग्ज़ाम होने वाला था कुछ टाइम, उनका जो डेडिकेशन था उन्होंने फिर भी क्लासेस ली, रेगुलरली ली। आपका जैसे सैटरडे, उनका डेडिकेशन तो इतना खतरनाक है सर, शादी वाले दिन में उन्होंने क्लास ली तो उनका डेडिकेशन तो बहुत खतरनाक है सर। आप लोग जैसे सैटरडे संडेज में रेगुलरली जब क्लास नहीं हो पाती थी कुछ वजह से, तो आपने संडेज को भी क्लास ली है आपका स्पेशली, और सारी फैकल्टीज का, वैभव सर का, उनका, जिनका जो पर्सनल प्रॉब्लम्स के बावजूद भी जो फोकस है, जो डेडिकेशन है स्टूडेंट्स के लिए, वो काफ़ी हेल्पफुल है सर। और मैं आप पूरी अड्डा 24/7 टीम का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सर कि आपकी वजह से मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही SBI क्लियर किया अपनी स्टडीज, लेकिन गुरुओं के आशीर्वाद के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है सर। सर थैंक यू सो मच सर, आपने अपनी इस जीत में अड्डा 24/7 को और हमें शामिल किया, तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।